हेलो स्टूडेंट्स, लेक्चर 8 के बाद हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 9, वो भी किसका? बजट का। गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी, सरकारी बजट एंड अर्थव्यवस्था। इसमें हम कुछ चीज़ें पढ़ चुके थे, कुछ चीज़ें बाकी थी। तो हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था बजट क्या है, व्हाट इज बजट पढ़ लिया था, टाइप्स ऑफ बजट पढ़ लिए थे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट पढ़ लिए थे, और आज थे हमारे जो दो और तरीके के बजट है, बजट के प्रकार जानेंगे और हम जानेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिसिट बजट, बजट घाटे की अवधारणाएं पढ़ेंगे हम, तो वो क्या क्या है। तो हम पहले प्रकार पढ़ लेते हैं, क्या टाइप्स हैं इसके। तो एक प्रकार हमने पढ़ लिए थे बजट के स्वरूप, और हम पढ़ेंगे अब नेक्स्ट कुल व्यय एवं कुल आय के आधार पर सरकार के बजट कितने प्रकार के होते हैं। टोटल इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनके हिसाब से बजट कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का होता है। एक होता है बजट का बजट, एक होता है संतुलित बजट, और एक होता है हमारा घाटे का बजट। ठीक है, तो कुल व्यय एवं कुल आय के आधार पर बजट कितने प्रकार के होते हैं? बजट तीन प्रकार के होते हैं, बचत का बजट, संतुलित बजट और घाटे का बजट, सरप्लस बजट, बैलेंस बजट और डेफिसिट बजट। ठीक है, सरप्लस बजट बैलेंस बजट और ये है डेफिसिट बजट। कौन सा बजट? डेफिसिट बजट। ओके, तो हम इन तीनों को समझेंगे, तीनों होती क्या है। पहला आता है बचत का बजट, कि जो आपका सरप्लस बजट है वो क्या होता है। तो देखिए बजट में क्या होता है, हम बजट में दो चीजों को शामिल करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ओके, हम दो चीजों को शामिल करते हैं, आय व्यय, व्यय को किसमें करते हैं? बजट में। तो बजट में हम इनकम और एक्सपेंडिचर को शामिल करते हैं, वो होता है बजट। लेकिन आप एक बात बताओ, मान के चलो आप अपना खुद का बजट बना रहे हो और बजट में आपके लॉस हो जाए ज्यादा और इनकम हो जाए कम, तो वो होता है आपको लॉस। लेकिन एक बात बताओ, आपके लॉस हो रहा है कम और प्रॉफिट हो रहा है ज्यादा लॉस के तुलना में, मतलब प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, लॉस कम हो रहा है। तो आपका कुछ बच रहा है पैसा, मान के चलो 10 रुपये आपने कमाए, 5 रुपये आपके खर्च हुए, तो आपको कितनी बचत हुई? 5 रुपये की बचत हुई, तो वो क्या हो गया? बचत का बजट। ऐसा बजट जहां पर क्या हो, इनकम ज्यादा हो और एक्सपेंसेस क्या हो, कम हो, मतलब आय की तुलना में व्यय क्या हो, कम हो, तो वो क्या होता है? बचत का बजट कहलाता है। आय ज्यादा हो किससे? व्यय से। आय पर किसका अधिक्य हो? आय का अधिक्य हो बजट में। आया समझ में? तो बचत का बजट क्या होता है? वह बजट, बजट का बजट कहलाता है जिसमें व्यय की अपेक्षा क्या हो, आय अधिक हो, मतलब सरकार की आय ज्यादा हो और सरकार की इनकम कम हो, तभी तो प्रॉफिट होगा सरकार को। तो इनकम क्या होगी? ज्यादा होगी और व्यय क्या होंगे? कम होंगे। तो ऐसा बजट जिसमें सरकार की इनकम क्या हो, ज्यादा हो और सरकार के खर्चे क्या हो, कम हो, बचत का बजट कहलाता है। ठीक है, ये आ गया समझ में। नेक्स्ट आता है संतुलित। संतुलित से मतलब बैलेंस, ना तो लॉस ना प्रॉफिट, मतलब 10 रुपये कमाए, 10 रुपये ही खर्च हो गए। ठीक है, तो आय बराबर व्यय, मतलब ऐसा बजट जिसमें सरकार की आय सरकार की व्यय के बराबर हो जाए, सरकार के व्यय आय के बराबर हो जाए, वो कौन सा बजट होता है? संतुलित बजट होता है। ना तो सरकार को खर्चा होगा मतलब लॉस होगा, ना सरकार को प्रॉफिट होगा, दोनों ही क्या होंगे? बराबर होंगे, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है घाटे का बजट। अब बचत का बजट हो गया जिसमें हमें इनकम ज्यादा हुई, संतुलित हो गया जिसमें हमें बराबर हुई, घाटे मतलब घाटे का आप समझ गए होंगे, आप नॉर्मली लैंग्वेज में यूज करते हैं लॉस। तो घाटे का बजट क्या होता है? देखिए, ऐसा बजट जिसमें सरकार के क्या हो, व्यय ज्यादा हो और इनकम कम हो, मतलब सरकार के खर्चे ज्यादा हो रहे हो और सरकार को इनकम कम प्राप्त हो रही हो, तो वो कौन सा बजट है? घाटे का बजट, मतलब लॉस ज्यादा प्रॉफिट कम। तो ऐसा बजट जिसमें सरकार की व्यय ज्यादा हो और सरकार की आय कम हो, वह बजट कौन सा बजट कहलाता है?
डेफिसिट बजट, घाटे का बजट कंप्लीट। तो हमने पहले पढ़े थे बजट के स्वरूप बताइए, बजट के स्वरूप में राजस्व बजट और पूंजीगत बजट आते हैं, दो तरह के बजट होते हैं। हमने पढ़ा था टोटल आय व टोटल व्यय, कभी आ जाए कुल व्यय व कुल आय के आधार पर बजट के प्रकार बताइए, तो आप क्या बताओगे, ये बताओगे तीन बजट, बचत का बजट, संतुलित बजट एंड घाटे का बजट, सरप्लस बजट, बैलेंस बजट एंड डेफिसिट बजट। ओके कंप्लीट, ये आपका हो गया बजट के एक टाइप्स। नेक्स्ट टाइप्स पे आते हैं हम, बदलते परिवेश। अब देखिए हमारी जो हमारा जो युग है उसमें क्या हो रहा है, मतलब हमारे देश में चीजें बदलती जा रही है, मींस परिवर्तन होता रहता है हमारे देश में, कभी क्या हो रहा है कभी क्या हो रहा है। तो बदलते परिवेश के हिसाब से बजट के प्रकार सुनिए, बजट के प्रकार क्या क्या है। तो पहला होता है आम बजट, ठीक है, जनरल बजट, सामान्य बजट मतलब सामान्य, ठीक है जनरल। सेकंड है आपका पूरक बजट, थर्ड है आपका शून्य बजट मतलब जीरो बेस बजटिंग, फोर्थ है आपका आउटकम बजट, एक होता है आपका निष्पादन बजट, छठा है आपका एक लास्ट आपातकालीन बजट। कौन सा आपातकालीन? ठीक है, किसके हिसाब से है, बदलते परिवेश के हिसाब से। कंप्लीट, ये हो गए आपके बदलते परिवेश के हिसाब से बजट के प्रकार बताइए। तो सुन लीजिए कौन कौन से हैं, पहला होता है आम बजट, जनरल बजट, ऐसा बजट जो सरकार बनाती है, और सरकार क्या ध्यान देती है ऐसे बजट में कि हम नॉर्मल बजट बना रहे हैं, तो नॉर्मल बजट में हम क्या सोचेंगे कि हमारे खर्चे क्या हो, कम से कम हो, खर्चों पे क्या हो सके, हम नियंत्रण कर सके। तो ऐसा बजट जिसमें सरकार का प्रमुख उद्देश्य क्या हो, खर्चों को कम करना, खर्चों को पूरे तरीके से नियंत्रण में करना, कौन सा बजट कहलाता है, आम बजट कहलाता है, सामान्य बजट कहलाता है। इसमें किन किन चीजों को शामिल किया जाता है, वेतन, मजदूरी, मशीन आदि चीजों को इसमें शामिल किया जाता है, ठीक है। और ये क्या होता है, कार्यपालिका की, मतलब कार्यपालिका की अनुमति से या कार्यपालिका को दिखाकर ये बजट पेश किया जाता है। तो ऐसा बजट जिसमें सरकार किस पर ध्यान देती है, कम से कम खर्चों पर ध्यान देती है कि हमारी सरकार का खर्चा है वो क्या हो, कम से कम हो, खर्चों पर क्या हो सके, नियंत्रण हो सके, वो कौन सा बजट कहलाता है, सामान्य बजट कहलाता है। कंप्लीट। नेक्स्ट आता है पूरक बजट। पूरक क्या होता है, पूरक से आप समझ गए होंगे, पूरक मतलब पहले ही होने वाला बजट, ठीक है। अब मान के चलो आपकी मम्मी ने आपको 100 रुपए दिए 7 दिन के लिए, कम 7 दिन के लिए दिए, सप्ताह के लिए। अब आप पे वो 100 रुपए 4 दिन में खत्म हो गए, उसके बाद आपको अचानक से जरूरत पड़ गई, तो आप अपनी माँ से क्या बोलोगे कि मुझे पैसे चाहिए, मेरे पास कम पड़ गए, मुझे आप और पैसे दे दो, ऐसा बोलोगे। तो मम्मी क्या करेगी कि आपको पहले ही आने वाले 7 दिनों के बजट में से आपको वो पैसा दे देगी, ओके, 3 दिन पहले ही दे देगी। तो होता है पूरक बजट। इसी तरह सरकार भी करती है कि हमारी सरकार का जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, यह आप सभी को पता है अच्छे से, कई बार बता चुकी हूँ, 1 अप्रैल से 31 मार्च। अब इस 31 मार्च आने से पहले यदि सरकार के पास जो बजट है, जैसे 5 करोड़ 6 करोड़ जितने का बजट है, वो कम पड़ जाता है, तो सरकार क्या करती है, आने वाले वर्ष के बजट में से थोड़ा पहले ही दे देती है, तो वो होता है पूरक बजट, मतलब पहले ही उसको प्रस्तावित कर देती है। कंप्लीट, ये हो गया पूरक बजट। तो वह बजट ऐसी धनराशि जो पहले ही समाप्त हो गई है लेकिन सरकार एक पहले ही हमें प्रोवाइड करवा दे, वो कौन सा बजट होता है, पूरक बजट होता है। कंप्लीट। नेक्स्ट आता है शून्य बजट।